हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। माता रानी से दुआ करती हूँ आप लोग हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, उन भाई बहनों से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाया कीजिए, ताकि जब भी हम बेल आइकन को दबाएंगे तो तुरंत आप लोगों के पास वीडियो चली जाएगी जब हम अपलोड करेंगे। तो भाई के बारात का स्पेशल व्लॉग है और बारात की तैयारी शुरू हो गई है। चाची गई हैं देवथान पे जल डालने के लिए, यानी गांव की जो रक्षा करते हैं देवता, उनके सबसे पहले वहां पे जल डालेंगे। फिर आगे का जो भी एक एक छोटा छोटा कार्यक्रम है उसके बाद ही होगा। तो बैंड बाजा के यानी कि जो भी बाजा वगैरह क्या बोलते हैं उसे, वो सब गया है, तो उनको धूमधाम से उनके यहाँ जल चढ़ाएंगी, फिर उसके बाद वापस आएंगी। और यहाँ पे बुआ मंडप के नीचे सफाई कर रही हैं, क्योंकि बारात की जितनी भी तैयारी है सब इसी के नीचे करना है। तो मंडप के नीचे का लगभग काम बुआ ही करती हैं, तो इसलिए दीदी सारा काम यहाँ पे कर रही हैं और साफ़ सफाई भी करेंगी। जिस दिन से मंडप गढ़ता है उस दिन से यहाँ पे झाड़ू नहीं मारा जाता है, कपड़े से ही सफाई की जाती है। और जब तक शादी खत्म नहीं होगी तब तक यहाँ पे कपड़े से ही सफाई होगी, बाकी जगह झाड़ू लगा सकते हैं। यहाँ पे जो मटका आप देख रहे हैं इसे दहेंगड़ बोलते हैं और ये तैयार हो चुका है। इसके अंदर दही है, इस पे सिंदूर बिंदी और आटे से इसका मुंह बंद किया हुआ है। बारात में लड़की के घर ये जाएगा लड़की के साथ। इधर बारात की तैयारी होने लग गई है, तो पहला तो जो था काम वो था देवथान पे जल डालने का और पूजा करने का। तो उसके बाद दूसरा काम यहाँ पे चल रहा है भाई को नहलाने का। तो आज के दिन बुआ ही नहलाती हैं, अपने आप नहीं नहाया जाता है। और हाथ में अक्षत और गुड़ जो शगुन में हर जगह आगे आगे चलता है, और कुछ दक्षिणा तो यहाँ पे निकाल के बुआ ने रख दिया है। और अब नहलाएंगे, नया साबुन, नई चीज़ें। और यहाँ पे आ गया था भाई, तो इसकी मस्ती चल रही थी दोनों भाई से, मजा ले रहे थे। कमरे वाले भैया भी यहाँ पे आ गए हैं। तो घर में मौसी, ये है बड़ी अम्मा और दीदी लोग, जितने भी लोग हैं, तो सब लोग डाल रहे हैं न्यौछावर। और इसके बाद सबको बुलाया जाएगा गांव में, पड़ोस में सबको, तब सब लोग आएंगे बारात की विदाई के टाइम, मतलब उसके थोड़ा सा पहले ही सब लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पे मौसी और बेटा दोनों फुल्की खा रहे हैं, घर के सामने ये भैया खड़े थे। तो इसके बाद चल रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे घर पे आ गए हैं मम्मी के। तो यहाँ पे भाई बारात जाने के लिए अपना जो भी कपड़ा वगैरह लेके आए हैं सब अपना अपना चेक कर रहे हैं कि कैसा है। और इधर मम्मी खड़ी है, पापा अंदर हैं, हम अंदर आके रेडी होने लग गए हैं और साड़ी हमने डाल ली है। अंजू बाबू को तैयार कर रही है अभी को, क्या भैया को लेके बुलाओ बुलाओ। तो देखिए दोस्तों, शाम के 5:40 हो चुके हैं और सब तैयार हो रहे हैं अपनी तरफ। और ये बिछिया में देख रहे है तो पर्स में, पर्स जो टांगा ही है। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, सब लोग तैयार हो चुके हैं। भाई लोग तो बारात जाने के लिए तैयार हो रहे हैं कि हाँ, हम लोगों को बारात नहीं जाना है, सिर्फ बारात के लिए हम लोग रेडी हैं और बारात जाना नहीं है। तो चलिए चलते हैं चाची के घर, वहीं पे मिलते हैं, और माही भी साथ में हैं वहाँ पे। शाम के करीब 5 का टाइम हो रहा है और सारा कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। और आ गए हम यहाँ पे, तो सीधा डायरेक्ट छत पे चलेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें छत पे ही हो रही है और बारात काफ़ी दूर जानी है, काफ़ी लंबा रास्ता है, तो इसलिए टाइम पर बारात भी निकलनी है। सब बहुत, मतलब चाचा बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि सारी चीज़ जल्दी करनी है, क्योंकि बारात दूर जानी है, पास में तो है नहीं। और बारात हमारे ससुराल साइड ही जा रही है,
तो हमारे ससुराल बगल में हमारा जहाँ घर है वहाँ पे एक दो दो गांव के बगल में ही बारात जा रही है। तो यहाँ पे सारे औरतें आ चुकी हैं, पड़ोस की और घर के सारे लोग आ चुके हैं। और ये है हमारी छोटी सिस्टर, हमसे छोटी है, जिस भाई की शादी हो रही है उसकी बड़ी बहन। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही है। और ये है हमारी फूफा जी। तो आज के दिन फूफा और बुआ मिलकर ही मतलब दूल्हे की सेवा करते हैं, कपड़े दूल्हे का फूफा जी ही पहनाएंगे। और इधर सारे बच्चे देख रहे हैं और घर के सारे लोग बैठे हुए हैं और रिलेशन के, मोहल्ले के और गांव के मतलब बहुत सबको बुलावा दिया जाता है। और सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जब तक विदाई नहीं होगी अब सब लोग यहीं पे जमा रहेंगे और विदाई करने के बाद ही सारे लोग जाएंगे। तो यहाँ पे भाई को मौरी, शेरवानी और गले का जो माला वगैरह जो भी सारी चीज़ें फूफा जी तैयार करा दिए हैं और अब बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पे दूल्हे के साथ पांच भाई भी तैयार होते हैं, जो छोटे होते हैं दूल्हे से बड़े नहीं, जो बड़े होते हैं वो तो जेठ हो जाते हैं, जो छोटे होते हैं वो तो छोटे भाई देवर हैं, तो मतलब भाभी के देवर। तो यहाँ पे उनको भी तैयार किया जाता है, लेकिन आज कोई है ही नहीं। सब पता नहीं इतना बिजी हैं, सब बारात जाने के लिए इतना एक्साइटेड हैं सारे लोग। कुछ ना कुछ कोई अपना कपड़ा देख रहा है, कोई बाल कटवाने गया है, कोई सेविंग करवाने, कोई कुछ लेने, कोई कुछ लेने, कोई यहाँ पे नहीं दिखा। छोटे छोटे बच्चे थे, ये जो सिस्टर अभी हमारी थी उनका एक छोटा सा बेटा था और छोटे छोटे दिख रहे थे, बाकी सब तो बड़े हो गए हैं, कोई बैठने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सिर्फ भाई को ही काजल लगा दिया है, बुआ लगा देती हैं और बहनें भी लगा देती हैं, तो इसीलिए हम ही लगा दे रहे हैं। और काजल लाना नहीं पड़ता है कहीं से, सूखा काजल ही लगाया जाता है। जो कलसा रखा होता है मंडप के नीचे, उसी के दीपक से काजल लगाया जाता है। और जिस दिन से शादी की रस्में चलती है उस दिन से उस कलश का दीपक दिनों रात जलता है, तो उसी से हमने काजल लगा दिया है भाई को सूखा वाला। और कोई है ही नहीं, नहीं तो पाँच लोगों को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे भाई अकेला है और फूफा बैठे हुए हैं। तो सारे बच्चे रेडी होने में, अब तो सब बड़े हो गए हैं, घर के जितने भी बच्चे थे सब बड़े हो गए हैं। तो जब छोटे होते तो उन्हें भी अच्छा लगता है, बैठने का मन करता है, पर अभी सब अपना अपना मतलब देख रहे हैं, कोई कपड़ा देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, बैठने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो चुकी है लगभग तैयारियाँ। तो एक बार अभी फिर से वहाँ पे जाना पड़ेगा देवथान पे, जहाँ पे जो गांव के देवी देवता हैं, जहाँ पे चाची अभी जल डालने के लिए गई थी। तो पूरा जब बारात एकदम एंड पर आ जाएगा निकलने पे, तो उस टाइम वहाँ जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही तुरंत विदाई हो जाएगी। और अंजू इधर चावल लेके आ रही है, तो हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, बिजी है यहाँ पे मम्मी पापा। तो ये देखिए यहाँ पे देवताओं को बुलाया जा रहा है। जब बारात एकदम मतलब दूल्हा तैयार हो जाता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो मड़वा के नीचे दुल्हन का एक गहना लेकर के और लाल चुनरी लेकर के और जो सफ़ेद वाला लुंगी है जो मैंने सिलमायन के दिन दिखाया था, उसको सर पे रख के हाथ जोड़ करके देवताओं को बुलाया जाता है कि आप आइए। जो कुल देवी देवता है उन्हें बुलाया जाता है, उनका आगमन किया जाता है, आप आओ और हमारे बहू और बेटों को आशीर्वाद दीजिए और ऐसे ही हमेशा फूले फले, इसीलिए उनको बुलाया जाता है। और चाहे वो आए या फिर ना आए, लेकिन इसको करना पड़ता है देवताओं के नाम से। हालांकि जो कुल देवी देवता हैं वो हर किसी के मतलब ऊपर नहीं आते हैं, घर के किसी एक सदस्य पे ही आते हैं, लेकिन पाँच लोग बुलाते हैं देवता को, बुलाते हैं घर के ही सदस्य, बहन बेटियां नहीं, घर के ही सदस्य पांच लोग मिलके, बहू और बेटे मिलके देवता को हाथ जोड़ करके बुलाते हैं कि आप आइए और आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ पे चाचा कर लिए हैं, जिनके बेटे की शादी, यही वाले हमारे चाचा है जिनको अभी आपने देखा। और उसके बाद अब जाएंगे पापा, पापा का नंबर आ गया, फिर मम्मी का नंबर आएगा, फिर चाची का नंबर आएगा और फिर बड़ी अम्मा का नंबर आएगा, सब लोग आएंगे। और चावल और थोड़ा सा फूल लेकर के, वैसे तो फूल नहीं होता है तो चावल से ही छिड़का मारते हैं और देवताओं को बुलाते हैं। उतार दिया।
यहाँ पे बुआ और भतीजी का डांस कंपटीशन हो रहा है और हम दोनों हम सब लोग बचपन के दोस्त हैं। अब दूल्हे को तिलक लगाया जा रहा है, दूल्हे की विदाई होगी और ये दूल्हे की मम्मी करती है और आटे के दीपक से इस तरह से उतार के रखा जाता है। अब बारात चलेगी सड़क पे यानी कि पापा के घर के सामने, तो वहाँ पे भी डांस होगा। तो यहाँ पे भाई बैठ चुका है, दूल्हे वाला दूल्हा बैठ चुका है दूल्हे की गाड़ी पे। तो अब बारात बिल्कुल जाने के लिए रेडी है और जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी जा रहे हैं। लेडीज़ नहीं जा रही हैं बारात, क्योंकि हमारे गांव में औरतों को जल्दी से बारात के लिए नहीं बोला जाता है। और यहाँ पे माँ ही मेरे कान में बोल रही थी, मम्मी मुझे भी बारात जाना है। तो मैंने कहा नहीं, बारात नहीं जाना है, क्योंकि घर के पास में ही है, ससुराल और मायका दोनों तरफ से हमारा दावत है। और आयांश अपने चाचा को गाड़ी में बैठे हुए देखकर, मतलब उसको अजीब लग रहा था, आज अजीब सा ड्रेस है उसके लिए तो अजीब ही है, तो वो भी बार बार कार के अंदर झांक रहा था और स्माइल कर रहा था। इसकी स्माइल कितनी अच्छी लग रही है मेरा क्यों। तो दोस्तों देखिए रात के 8 बज रहे होंगे ना, 8 बज रहे हैं, क्या कर रहे हो भैया। अब बारात निकल चुकी है और हम लोग भी सादे सिंपल से हो गए हैं, बन रहा है खाना, खाना पीना खाएंगे। सब लोग बहुत थक गए हैं डांस कर करके और शादी ब्याह में थकान तो सभी को होती है। तो ये ब्लॉग का एंड करना है, इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। कल सुबह जब भाभी आएगी तब नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, मतलब आ रहे हैं मानसी बुला रहे, रात से ही ब्लॉग की शुरुआत कर देंगे, मतलब सुबह से रात से बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। मानसी बुला रही है।